नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बात करते हैं IBS यानी इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम इस डिसीज़ के बारे में। IBS जैसे लक्षण ही आयुर्वेद में ग्रहणी या संग्रहणी इस व्याधि के बताए गए हैं। तो आयुर्वेद में आचार्य चरक ने चरक संहिता का चिकित्सा स्थान का 15वां अध्याय और आचार्य वाग्भट ने अष्टांग हृदय इस ग्रंथ के निदान स्थान का 8वां और चिकित्सा स्थान का 10वां अध्याय, इसमें उन्होंने ग्रहणी व्याधि के बारे में बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन हमें दी है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ग्रहणी यानी क्या, इसे होने का कारण क्या बताया है, यानी इसकी मूल वजह जो है वो क्या है, ग्रहणी के लक्षण या इसके प्रकार क्या है, यहाँ तक इसकी चिकित्सा यानी ट्रीटमेंट आयुर्वेद में क्या बताई है और इसके लिए आप घरेलू उपचार क्या कर सकते हैं, तो इन सब के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो आखिर तक जरूर देखिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। आचार्य चरक कहते हैं अग्नि अधिष्ठानम अन्नस्य ग्रहणात् ग्रहणी मता, यानी ग्रहणी यानी जो अन्न का ग्रहण करती है इसीलिए इसे ग्रहणी कहा गया है। और ये अग्नि का अधिष्ठान है यानी जो हमारा पाचकाग्नि है, जो जठराग्नि है उसका ये स्थान है। और फिर ये जो ग्रहणी है इसका कार्य भी बताया है, इसका स्थान भी बताया है। तो स्थान कहाँ पे है, तो उन्होंने बताया है कि आमाशय और पक्वाशय इसके बीच का जो पार्ट है, यानी आज अगर हम एनाटॉमिकली इसको देखेंगे तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वही ग्रहणी है, यानी स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन इसके बीच का ये जो पार्ट है यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी इसे ही आयुर्वेद में ग्रहणी कहा गया है। ग्रहणी का जो कार्य है वो है अन्नम गृह्णाति पचति विवेचयति मुंचति, यानी अन्न का ग्रहण करना, उसका पचन करना और उसे सार पित्त विभजन, यानी उसमें से जो सार भाग है जो शरीर के लिए आवश्यक है वो अलग करना और जो पित्त भाग है यानी जो मल रूप में शरीर से बाहर जाना है जाने वाला है वो अलग करना और जो मल भाग है उसे आगे उसको सरकाना, यानी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें उसे सरकाना। तो इस तरह से ये जो ग्रहणी का कार्य है वो बताया गया है। तो अगर किसी भी कारण से ये ग्रहणी ये अवयव दूषित होता है तो बीमारियां हो सकती है और ग्रहणी इस व्याधि में यानी IBS में ग्रहणी जो है वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली दोनों तरह से ये दूषित होती है और इसीलिए ये व्याधि उत्पन्न होती है। आयुर्वेद में ग्रहणी इस व्याधि के सामान्य लक्षण भी यानी इसके सिम्टम्स भी बताए हैं। तो इसमें उन्होंने इसे चिरकारी यानी ये क्रॉनिक डिसीज़ है, बहुत समय तक पीछा करने वाला है। तो इसमें इन्होंने जो बताया है उसमें जो भी हमारा डाइजेशन है वो पूरी तरह से बिगड़ जाता है, पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। इसका नाम ही है इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम, यानी जो हमारा इंटेस्टाइन है वो इरिटेट हो जाता है, नॉर्मल जो उसका बिहेवियर है वो नहीं रहता। जैसे अगर कोई पर्सन इरिटेट होता है तो हम कहते हैं ना कि ये उसका नॉर्मल बिहेवियर से ये अलग बिहेवियर है, इसी तरह से जो हमारा इंटेस्टाइन है, जो हमारी आंतें हैं वो भी इस बीमारी में इरिटेट हुई रहती है, इसीलिए इसका ये जो नाम है वो दिया गया है। ग्रहणी इस बीमारी में मलत्याग के लिए बार बार जाना पड़ता है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में मलत्याग होता है, पूरी तरह से संतुष्टि नहीं होती यानी पूरा सेटिस्फैक्शन नहीं होता। मल प्रवृत्ति कभी कभी बहुत ज़्यादा यानी द्रव मल यानी पतली रहती है या कभी मल बांध के आता है, कभी इसमें आवर यानी म्यूकस रह सकती है, कभी जो मल है वो झागदार या दुर्गंधियुक्त रह सकता है, कभी खाना खाने के बाद तुरंत जाने की इच्छा होती है यानी प्रेशर बहुत बनता है, लेकिन जितना प्रेशर बनता है उसके आपसे मलत्याग नहीं होता या कभी कभी सिर्फ गैसेस ही पास होती है। तो इस तरह से इसे इन व्यक्तियों को सुबह से लेकर दोपहर तक इसके जो लक्षण है वो ज़्यादा दिखाई देते हैं। कभी कभी पेट में बहुत ज़्यादा मरोड़ या फिर दर्द रह सकता है या फिर इनको भूख बहुत कम लगती है, थकान रहती है, कमजोरी रहती है, वजन कम हो जाता है, कभी कभी तो मल बहुत पतला रहता है या फिर कभी कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। आयुर्वेद में इसे मुहूर्बद्धम मुहूर्द्रवम कहा है, यानी एक ही तरह के लक्षण नहीं रह सकते, जो भी लक्षण है अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग लक्षण दिखाई दे सकते हैं और इन व्यक्तियों को इन सभी जो भी लक्षण है उसके वजह से एक स्ट्रेस बना रहता है, मानसिक तनाव रहता है, एक इरिटेशन चिड़चिड़ापन रहता है, तो ये सभी लक्षण IBS में दिखाई दे सकते हैं।
अब देखते हैं कि ग्रहणी यानी आईबीएस इस व्याधि का कारण क्या है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण है वो है अग्निमांद्य यानी हमारा जो जठराग्नि है उसका मंद होना। अब हम लोग वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, जो हमारा जो ट्रेडिशनल इंडियन फूड है उसे छोड़ के अलग अलग फूड ट्रेंड्स हम खुद के जीवन में उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसमें फिर चाइनीज़ फूड हो या फिर जंक फूड हो, बहुत तला हुआ है, नॉनवेज है, चाय कॉफ़ी है या फिर कोल्ड ड्रिंक्स है, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल होने लगा है। तो इससे ये जो अग्नि है ये भी विकृत हो रहा है। यहाँ तक कि खाने का भी कोई फिक्स समय नहीं है, अगर भूख है तो भी खाना खाने का समय नहीं है, या फिर कभी कभी भूख बिल्कुल नहीं है लेकिन फिर भी स्वाद के लिए हम कुछ ना कुछ खा लेते हैं। तो ये सभी चीज़ें अग्नि को विकृत करने वाली है। एक रस आहार यानी एक ही स्वाद का बहुत ज़्यादा सेवन करना ये भी जो अग्निमांद्य है उसका कारण हो सकता है। यहाँ तक कि अगर आप बहुत ज़्यादा रूखा खाते हैं या बहुत हेवी खाते हैं, जो ज़रूरत है उसके अनुसार बहुत ही कम या बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं तो ये भी अग्निमांद्य का कारण हो सकता है। यहाँ तक कि कुछ मानसिक विकार यानी अगर आपको चिंता है, आप बहुत गुस्सा करते हैं या फिर मन में किसी चीज़ का डर है तो ये भी एक कारण हो सकता है। यहाँ तक कि अगर आपको पहले कोई बीमारी हो चुकी है यानी कोई डिसीज़ है और उससे ठीक होने के बाद अगर आप पथ्य का सेवन नहीं करते यानी परहेज नहीं करते तो भी आपका जो अग्नि है वो मंद हो सकता है। और फिर इसी के वजह से जो अग्नि का मंद होगा तो अग्नि मंद होने की वजह से शरीर में आम दोष की उत्पत्ति होगी और इससे काफ़ी सारी बीमारियां शरीर में उत्पन्न हो सकती है। आयुर्वेद में अग्नि का बहुत ज़्यादा महत्व है। यहाँ तक कि कहा गया है कि शांते अग्नो म्रियते यानी ये जो अग्नि है ये अगर शांत हो गई तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, और अगर ये अग्नि जो है ये नॉर्मल अवस्था में यानी प्राकृत है तो मनुष्य चिरकाल तक जीवित रह सकता है। ग्रहणी के प्रकार भी आयुर्वेद में बताए गए हैं। तो इसमें दोषों के अनुसार इसके प्रकार जो है वो चार प्रकार है। इसमें वातज, पित्तज, कफज और त्रिदोषज। त्रिदोषज यानी तीनों दोषों से उत्पन्न होने वाली ये जो ग्रहणी है। तो इस तरह से ये चार प्रकार दोषों के कारण इसमें बताए हैं और अलग अलग प्रकार में इसके जो लक्षण यानी इसके जो सिम्टम्स है वो भी अलग अलग है। अवस्था के अनुसार भी इसके प्रकार यानी जैसे संग्रहणी है या फिर घटी यंत्र ग्रहणी है तो ये भी बताए हुए हैं। अब देखते हैं कि ग्रहणी की चिकित्सा यानी ट्रीटमेंट क्या है। तो आयुर्वेद में सबसे पहले बताया है निदान परिवर्जन यानी जिन कारण से ये व्याधि उत्पन्न हुई है उस कारण को दूर करना सबसे ज़रूरी है। तो अग्नि के मंद होने के पीछे क्या कारण है उसे दूर करना सबसे ज़रूरी है। यहाँ तक कि आयुर्वेद में आहार विधि विधान बताया है यानी आहार का सेवन कैसे करना चाहिए इसके नियम भी बताए हैं। तो इन नियमों का पालन भी हमने ज़रूर करना चाहिए। खाने में आप क्या ले रहे हैं, कब ले रहे हैं, कितना और कैसे ले रहे हैं, इन सभी बातों पर ध्यान रखना ज़रूरी है। यहाँ तक कि अगर शरीर में कोई दूसरी भी व्याधि उत्पन्न हुई है तो उससे ठीक होने के बाद भी पथ्य का पालन करना ये भी अग्नि को प्राकृत स्थिति में यानी नॉर्मल अवस्था में लाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपका मानसिक तनाव या फिर मन में उत्पन्न जो भी चिंता है, डर है, इनसिक्योरिटी की फीलिंग है तो ये सभी कारण अगर आपके आईबीएस के लिए ज़िम्मेदार है तो इनको कम करने के लिए जो प्राणायाम है, ध्यान है, मेडिटेशन है या फिर जो रिलैक्सिंग म्यूज़िक है तो इन सब की मदद आप ले सकते हैं, ये मन भी शांत होगा। देखिए मॉडर्न साइंस ने भी आईबीएस को साइकोसोमेटिक यानी मनोशारीरिक व्याधि बताया है। तो अगर हमारा मन शांत होगा, स्थिर होगा तो इससे ये बीमारी कम होने में भी मदद मिलेगी। ग्रहणी की जो मुख्य चिकित्सा है उसमें आचार्यों ने दीपन, पाचन, ग्राही औषधियाँ देने के लिए बताया है। दीपन यानी अग्नि दीपन करने वाली, अग्नि को बढ़ाने वाली। पाचन यानी जो हमारी जो डाइजेशन कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव करने वाली, अन्न का ठीक तरह से पचन करने वाली। और अगर आपको द्रवमल प्रवृत्ति यानी मल प्रवृत्ति पतली हो, आपको बार बार जाना पड़े, दुर्गंधयुक्त हो, उसमें बहुत चिकनापन हो, आव उसमें आपको दिखती हो यानी म्यूकस रहता हो तो इन अवस्थाओं में ग्राही औषधियाँ देने के लिए भी बताया हुआ है।
ग्रहणी एक क्रॉनिक डिसीज है, तो इसकी चिकित्सा भी जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, पूरी तरह से इसकी ट्रीटमेंट जो है वो होनी चाहिए। तो इसके लिए आपके प्रकृति के अनुसार या फिर ग्रहणी जिस दोषों के कारण हुई है उसके अनुसार ये चिकित्सा दी जानी चाहिए। तो सबसे अच्छा ये है कि आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह से आपने ये चिकित्सा लेनी है। आयुर्वेद में इसके लिए बहुत सारी औषधियाँ भी बताई हुई है, जैसे कुटजघनवटी है या कुटजारिष्ट है, संजीवनी वटी है, बिल्वावलेह है, सुशेखर रस है, इस तरह से बहुत सारी औषधियाँ ग्रहणी इस विकार में बताई हुई है। अब देखते हैं कि ग्रहणी इस बीमारी में आप घरेलू चिकित्सा क्या कर सकते हैं। तो जो हमने पहले बताया है कि दीपन, पाचन, ग्राही इत्यादि गुणों से युक्त औषधियाँ होती है, तो इसी तरह की खान पान से जुड़ी कुछ चीज़ें आपके रसोई में भी आपको आराम से मिल जाती है। अगर आपको खुल के भूख नहीं लगती और ग्रहणी की आपको तकलीफ है, आपका अग्निमंद है, तो इसमें आप अदरक का सेवन कर सकते हैं। अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा लेके उसके ऊपर थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के खाने के आधा घंटा पहले इसे अच्छी तरह से चबा चबा के खाना है, तो इससे आपकी जो भूख है वो खुलने में मदद होगी और जो अग्नि है वो भी प्रदीप्त होगा। इसके साथ ही आप सौंठ का भी सेवन कर सकते हैं या फिर त्रिकटू, जिसे जिसमें सौंठ, काली मिर्च और पिपली है, या फिर हिंगवाष्टक चूर्ण है, इसमें से किसी का भी सेवन आप कर सकते हैं। लेकिन ये जो सौंठ है या फिर त्रिकटू चूर्ण है या हिंगवाष्टक चूर्ण है, इसकी मात्रा बहुत ही कम लेनी है, ये बहुत तीखा रहता है। छाछ यानी बटर मिल्क भी ग्रहणी इस बीमारी में एक बहुत अच्छी औषधि है। ये कसेले रस का है और इसके ग्राही गुणधर्म बताए हैं। तो देखिए, अगर इसमें आप त्रिकटू का चूर्ण या फिर हिंगवाष्टक चूर्ण डाल के लेते हैं तो दीपन, पाचन, ग्राही ये तीनों जो बेनिफिट्स है वो आपको मिलेंगे। तो इसमें ये जो त्रिकटू का चूर्ण या हिंगवाष्टक चूर्ण है वो 2 से 4 चुटकी इस छाछ में मिला के आप ले सकते हैं। छाछ को कब लेना है, तो इसे खाने के आखिर में लेना है। आयुर्वेद में बताया है भोजनांते पिबेत तक्रम, यानी खाने के आखिर में हमने इसका सेवन करना है। अगर आपके पेट में बहुत दर्द है, फूलापन है, तो वात का अनुलोमन होने के लिए यानी वात की प्राकृत गति होने के लिए भी हींग और अजवाइन ये बहुत अच्छे से काम करता है, और ये दोनों जो चीजें हैं वो हिंगवाष्टक चूर्ण में है, तो इसका फायदा भी आपको जरूर मिलेगा। अगर आपके पास ना तो त्रिकटू चूर्ण है और ना हिंगवाष्टक चूर्ण है, तो इसमें भी आपके घर में अब जैसे जीरा पाउडर है या धनिया का पाउडर है, यानी कोरिएंडर पाउडर या फिर क्यूमिन पाउडर है, तो इन दोनों को भी आप छाछ में डाल के ले सकते हैं। तो इसका पाउडर डालना है, आप थोड़ा सा उसमें सेंधा नमक डालें और उसको आप थोड़े से घी में उसमें हींग डाल के या कड़ी पत्ता डाल के इसको छोका भी दे सकते हैं। ये जो छाछ है ये पचने में बहुत अच्छा है, और ख़ास करके जिन लोगों को ग्रहणीय बीमारी है तो उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। इसके साथ ही आप बेल फल का जो मुरब्बा है, जिस जो बिल्वावलेह इस नाम से भी मिलता है, उसका सेवन भी आप कर सकते हैं। तो इसे 1-1 चम्मच दिन में 2 बार लेना है, या फिर इसके जगह पे बिल्वादि चूर्ण यानी बेल का जो चूर्ण मिलता है वो भी ले सकते हैं। तो इसे भी 1/2 से 1 चम्मच दिन में 2 बार आप ले सकते हैं। तो इस तरह से आप घरेलू उपचार भी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने IBS के बारे में यानी ग्रहणी इस बीमारी के बारे में पूरी जानकारी ली। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।